कोई भी बता सकता है कि मधुमक्खी और लाल ततैये की लड़ाई में कौन जीतेगा। ये तो बिल्कुल किसी बिल्ली के बच्चे और खूनखार शेर के बीच की लड़ाई हो गई। ततैयों की आर्मी के सामने मधुमक्खियों की आर्मी ऐसे होगी जैसे सैकड़ों शेरों के सामने सैकड़ों बिल्ली के बच्चे। ऐसा लगता है जैसे इसमें जीत ततैये की ही होगी, क्योंकि एक ततैया 1.5 घंटे से भी पहले हजारों मधुमक्खियों को मार गिरा सकता है। पर अगर ये लड़ाई सच में हो जाए तो ये हमारी और आपकी सोच से कहीं ज्यादा जोरदार और ड्रामेटिक होगी। बेचारी मधुमक्खियां पूरे दिन काम करती हैं, पौधों और फलों के बीज बिखेरती हैं, शहद इकट्ठा करती हैं और फिर पूरे दिन की मेहनत के बाद शाम को थक हार कर अपने घरों यानी छतों में लौटती हैं। अफसोस कि ये इनके घरों के ऊपर मंडराते घुसपैठिए यानी ततैये को देख ही नहीं पाती। ये मधुमक्खी से कहीं बड़ा लाल पीले और काले रंग का होता है, ये ऊपर मंडरा रहा है पर किसी ने देखा ही नहीं, इसे किसी ने बुलाया नहीं है, फिर भी उनके घर में घुस जाता है, फिर जबड़े से क्रैक की आवाज करता है और बड़ी ही अकड़ के साथ उनकी मेहनत के फल पर दावत उड़ाता है। कुछ ही सेकंड में छत्ते में अफरा तफरी फैल जाती है। ततैये का डंक बहुत जहरीला है पर इसे यहाँ इसकी जरूरत ही नहीं है, मधुमक्खियों के लिए तो इसके तेज जबड़े ही काफी हैं। छत्ते की सभी मधुमक्खियां उस पर धावा बोलती हैं पर उसे कुछ नहीं होता। मामला बिगड़ता जा रहा है क्योंकि मधुमक्खियां एक बार डंक मारने के बाद जिंदा नहीं रहती, वे घर और रानी को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देती हैं, पर उनकी ये सभी कोशिशें बेकार हैं। प्यास बुझाने के बाद ततैया नए शिकार की तलाश में निकल जाता है और इनमें से अब बस एक ही मधुमक्खी बची है। ये दूसरों को वार्निंग देने के लिए छत्ते से भाग जाती है। मधुमक्खी घाटी के हर छत्ते में जाती है और अपने इस दुश्मन के बारे में सबको बताती है। सभी मधुमक्खियां हमले की तैयारी करने लगती हैं, वे अपनी आर्मी तैयार कर रही हैं, पर ततैये के सामने ये कुछ भी नहीं है। अब ततैया नए छत्ते की तरफ उड़ जाता है। इस बार मधुमक्खियां भी तैयार हैं, वे अपने दुश्मन पर हर तरफ से अटैक करती हैं। कुछ देर के लिए तो डंक से उनका सिर चकरा जाता है, उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं और शहद खाने की हिम्मत नहीं बचती। मधुमक्खियों का हौसला बढ़ता है पर अफसोस ऐसा ज्यादा देर तक नहीं रहता। तभी छत्ते में 10 और ततैया आ धमकते हैं। उनमें से एक छत्ते को फेरोमोन केमिकल से मार कर देता है। इससे वे अपनी बाकी क्राइम पार्टनर्स को कॉल करते हैं। बेचारी मधुमक्खियां घबरा गई हैं। ततैया अक्सर ये केमिकल इसलिए छोड़ते हैं ताकि अपने दूसरे क्राइम पार्टनर्स को लोकेशन बता सके। कुछ ही मिनट में 11 ततैये 25,000 मधुमक्खियों के छत्ते उजाड़ देते हैं। कुछ पलों पहले ही बसी बसाई ये जगह मधुमक्खियों की वजह से फल फूल रही थी, अब ये एक सुनसान वैली बन गई है। ततैया छत्ते ढूंढने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते, इसीलिए ये ग्रुप्स में बंटकर वैली के अलग अलग हिस्सों में उड़ जाते हैं। ये पहले केमिकल से उनके घरों को मार करते हैं और फिर उन पर धावा बोलते हैं। ततैयों की बर्बादी की भूख और प्यास खत्म ही नहीं होती। अब मधुमक्खियां अपने दुश्मन को पहचान सकती हैं और हवा में ततैयों को उड़ता देख भी सकती हैं, पर अफसोस कुछ कर नहीं सकती। हर लड़ाई में तरह तरह की रणनीति अपनाती हैं। एक बार उन्होंने ततैयों पर अटैक करने की कोशिश भी की लेकिन कुछ हो नहीं सका। अब फूलों के बीजों को बिखेरने वाला कोई नहीं है, शहद भी नहीं बनता, मधुमक्खियां अपने छत्ते में ही रहती हैं, उन्हें बाहर निकलने में डर लगता है, अंधेरा छा चुका है, कोई उम्मीद भी नहीं बची। लेकिन फिर भी उनमें थोड़ी उम्मीद जगती है। कुछ जापानी मक्खियों ने दुश्मन से लड़ना और उन्हें हराना सीखा है। ये खबर सभी छत्तों में फैल जाती है और ये तरीका सही साबित हो रहा है। अब वे भी कई ततैयों से लड़कर जीतने में कामयाब हो गई हैं। इससे उनका डर निकल गया है, अब वे दोबारा फाइट के लिए तैयार हैं। सपने में नहीं बल्कि सच में उन्होंने ततैये से लड़ने का तरीका सीख लिया है, लेकिन उनकी दूसरी स्पीशीज ऐसा नहीं कर सकती। इस बार मधुमक्खियां अपने दुश्मनों का इंतजार कर रही हैं, उन्हें पता है कि क्या करना है। तभी एक मोटा ततैया आता है, सैकड़ों मधुमक्खियां चारों तरफ से उसके शरीर पर टूट पड़ती हैं, वे उसे काट भी रही हैं और वाइब्रेट भी कर रही हैं। मधुमक्खियों के वाइब्रेशन से बहुत गर्मी बढ़ रही है, ततैया बाहर भी नहीं निकल पा रहा, उनके टेम्परेचर से वे गर्मी के मारे जलने लगता है और कुछ ही समय में ततैया ढेर हो जाता है। मधुमक्खियां इसे छत्ते से बाहर फेंक देती हैं। अब उन्हें अपनी जीत पर पूरा भरोसा है। एक और ततैया आता है ताकि मधुमक्खियां उन पर हमला करती हैं और फिर से वाइब्रेट होना शुरू कर देती हैं। एक और मॉन्स्टर आ रहा है, अब इसकी बारी। उनके पीछे 10, 20 और फिर 100 ततैया आ जाते हैं। मधुमक्खियों के पास ज्यादा हथियार और एनर्जी नहीं है,
मतलब जीतने के चांसेस ना के बराबर हैं। और ये जीत हमेशा के लिए हो, इसके लिए उन्हें एक साथ जी जान से लड़ना होगा सभी छत्तों की करोड़ों मधुमक्खियों को। अब ये आखिरी भिड़ंत है जो बड़े से बंजर मैदान में होने वाली है। घाटी की सभी मधुमक्खियां झुंड के पास पहुंच जाती हैं। वे इस आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हैं। यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इसके बाद हवा में वाइब्रेशन होने लगते हैं। काफी दूर से ही ततैयों की भिनभिनाहट सुनी जा सकती है। वे भी लाखों करोड़ों की संख्या में हैं और अब कोई जानवर भी उनसे पंगा लेने से कतराएगा। इस बार मधुमक्खियों की हार पक्की है, पर इनमें से कोई भी पीछे हटने वाला नहीं है। दोनों झुंड आपस में टकरा जाते हैं। ये कोई लड़ाई नहीं बल्कि विनाश है। कुछ ही मिनटों में हजारों में से 100 मधुमक्खियां और 0 ततैया जमीन पर ढेर हो जाते हैं। धरती से मधुमक्खियां गायब हो रही हैं। लेकिन ये क्या, सभी जगह एक अजीब सा कोहरा छाने लगता है। मधुमक्खियां और ततैया एक दूसरे को नहीं देख पा रहे। इस कोहरे में कुछ बड़ी बड़ी परछाइयां दिख रही हैं। वे लड़ाई के बीच कूद पड़ी हैं। हजारों ततैया इन परछाइयों पर टूट पड़ते हैं, पर इससे कुछ भी नहीं होता। मधुमक्खियां एक के बाद एक जमीन पर गिरकर बेहोश हो रही हैं। ततैया भी बेहोश होने लगे हैं। कुछ वहां से बच निकलने की फिराक में हैं, पर कोहरे की वजह से निकल नहीं पा रहे। दोनों आर्मी सोई पड़ी हैं। दरअसल इस घमासान को रोकने के लिए किसी ने यहाँ गैस छोड़ दी, यानी इस गेम में अब मधुमक्खियों के सपोर्ट में इंसान भी आ गया है। प्रोटेक्टिव सूट में इंसान बेहोश पड़े ततैया को उठाकर टोकरी में भरते हैं। मधुमक्खियों को अलग टोकरी में रखते हैं। इन्हें इकट्ठा करने में कई घंटे लगते हैं। जब मधुमक्खियों की आंख खुलती है तो वो अपने छत्ते में सुरक्षित हैं। और जब इन ततैयों की आंख खुलती है तो खुद को प्लास्टिक के डब्बे में ठुसा हुआ पाते हैं। ये अब फंस चुके हैं। इनके पास अब बचने का रास्ता नहीं है। किसी और को तो क्या ही परेशान करेंगे। दुनिया भर में इनकी धरपकड़ जारी है। इनके घरों को जलाया जा रहा है। इनसे फैमिली प्लानिंग की परमिशन भी छीन ली गई है। दरअसल मधुमक्खियां नेचर के लाइफ साइकिल में मदद करती हैं। हनी के लिए थैंक्स डियर, इन्हीं की वजह से एक पौधे से कई का जन्म होता है। ये फलों का ख्याल रखती हैं, पशुओं के चारे का ख्याल रखती हैं। मधुमक्खियों की वजह से ही हम कपास उगा पाते हैं। और अगर ततैया इन्हें बर्बाद कर देंगे तो इनसे बनने वाले कपड़ों की कमी हो जाएगी। टी शर्ट, जीन्स, जैकेट सब महंगे हो जाएंगे और एक दिन मार्केट से गायब ही हो जाएंगे। कई प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बिगड़ जाएगी। हम इंसानों और जानवरों को प्रॉपर विटामिन्स मिलने बंद हो जाएंगे। गाय दूध नहीं दे पाएगी। चीज, मलाई, मक्खन और ऐसी ही दूसरी चीजें बचेंगी ही नहीं। हम रेस्टोरेंट से टेस्टी बर्गर भी ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। बैंगन, लाल मिर्च, कीवी, कई तरह के बेर और बेरीज के साथ साथ बहुत कुछ मार्केट से गायब हो जाएगा। धीरे धीरे जानवर और पौधे गायब होते चले जाएंगे। इससे खेतीबाड़ी के साथ साथ पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर नेगेटिव असर पड़ेगा। और इस दौरान ततैया खूब फलते और फूलते रहेंगे। उन्हें कंट्रोल करने के लिए कोई जानवर दुनिया में बचेगा ही नहीं। अगर इंसान ने आज कुछ नहीं किया तो हर किसी को बाहर निकलने से पहले मोटा सा प्रोटेक्टिव सूट पहनना पड़ेगा। ततैया हमारे घरों और कारों में भी घुस जाएंगे। ये इंसानों और पालतू जानवरों पर बेधड़क हमला करेंगे। सिर्फ एक ततैया हम सभी के लिए बहुत सी मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। और तो और इसका डंक भी बाकी सभी कीड़ों से कहीं ज्यादा जहरीला होता है। इनका डंक किसी लाल गर्म सुई की तरह चुभता है। जब इसे स्किन में छोड़ा जाता है तो इसका जहर भी स्किन में चला जाता है। ये जहर ब्लड वेसल से होकर आसपास फैलता है। ये जगह लाल होकर सूज जाती है और इसका असर कई घंटों या फिर दिनों तक रह सकता है। ततैया एक गुस्सैल जीव है। ये कई बार डंक मार सकता है, तो सोचिए कि इनका पूरा झुंड क्या करेगा। अगर कभी इनसे पाला पड़ जाए तो या तो घने पत्तों वाली झाड़ियों में छिप जाएं या फिर पानी में कूद जाएं। अगर ये काट लें तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। कभी कभी इनके काटने से बड़ी परेशानी भी खड़ी हो सकती है। उनसे भिड़ने की कोशिश ना करें। अफसोस, मधुमक्खियां इनका मुकाबला नहीं कर सकती और हम इंसान इस खतरे को जानते हैं। इसीलिए ततैये की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसीलिए इस लड़ाई के बाद अब ततैये के पास बच निकलने का कोई मौका नहीं है। अब फिर से मधुमक्खियों की लाइफ नॉर्मल हो गई है। बीजों का बिखेरना, शहद इकट्ठा करना और छत्तों में इकट्ठा करना सब ट्रैक पर है। घाटी फिर से खिल रही है। मधुमक्खियां अब चैन की नींद सोती हैं। इंसान खुद इन बातों का ध्यान रख रहे हैं। वे मॉन्स्टर ततैये पर पूरी नजर रखते हैं। अगर इनमें से कोई भी दिखाई दे तो मतलब कहीं ना कहीं इनका घर भी है। एक स्पेशल सर्विस इन्हें ट्रैक करती है और पुराने पेड़ों और खड्डों में इनके ठिकाने ढूंढ निकालती है।